एटीएम कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका एटीएम कार्ड अब नहीं है सुरक्षित। एटीएम कार्ड का क्लोन बनाने वाले लुटेरे आपके एटीएम कार्ड पर नजर बनाए हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने एटीएम का क्लोन बनाकर लाखों रुपए की ठगी की है। गिरफ्तार आरोपी पीवीआर में लगे कार्ड रीडर से लोगों की जानकारी चुराते थे, जिसके बाद शुरू होता था कार्ड की क्लोनिंग का खेल। इसके लिए सबसे पहले शुभम और सोमा जी भूखे से पीवीआर की कैंटीन में खाना खाने वालों का कार्ड एक अलग कार्ड रीडर पर स्वैप करते थे, जिससे कार्ड की सारी जानकारी उसमें दर्ज हो जाती थी। कार्ड की जानकारी मिलने के बाद लैपटॉप के जरिए इस जानकारी को एक दूसरे कार्ड में डाल दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक ये हाईटेक ठगों की टोली 3 महीने से 20 से 25 लाख रुपए की अलग अलग लोगों से ठगी को अंजाम दे चुकी है। पुलिस ने इनसे कार्ड क्लोनिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान भी बरामद कर लिए। साथ ही साथ अब पुलिस इनके बाकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। इस टीम के ऊपर काम करते हुए इंस्पेक्टर आनंद ने और उनकी पूरी टीम ने अलग अलग जो जो लोकेशंस इनके पास आ रही थी, जहाँ जहाँ से विड्रॉल हो रहे थे, उन सभी के ऊपर रेकी स्टार्ट की और वहाँ से एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट किया। तो इन लोगों ने परसों एक दोषी है जिसका नाम है संजय जाट, ये बेसिकली मूलतः राजस्थान का रहने वाला है और इसके सीसीटीवी फुटेज में इसके फोटोग्राफ आई थी और इवेंचुअली इसको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की। इसे पूछताछ के दौरान ये बात के तथ्य सामने आए कि इस सारे गैंग का सरगना है अजय राघव, जो कि मथुरा का रहने वाला है और ये व्यक्ति इससे पहले पीवीआर सिनेमाज में उनकी कैंटीन में काम करता था। आज के युवा जिस तरह जल्द अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपना रहे हैं, उसने हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोटल न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।